तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं संदीप, वेलकम टू कॉप्स एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की जलवायु। मध्य प्रदेश की जलवायु पढ़ने से पहले मैं आप जैसे आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे आपको मैथ्स की क्लासेस और अभी करंट अफेयर की क्लासेस भी अवेलेबल डेली हम करवा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की जलवायु पढ़ने के पहले हमें पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जलवायु में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम हमारे यहाँ पे मौसम की स्थिति क्या है, कहाँ पे टेम्परेचर कितना रहता है, कहाँ पे वर्षा का वर्षा का जो प्रतिशत है वो कितना, तो वो सारी चीजें हम आज के इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश की जलवायु। तो मध्य प्रदेश की जलवायु को समझने से पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं बताता हूँ आपको कि जो मध्य प्रदेश की जलवायु है वह भारत की जलवायु से पूरी तरह मिलती जुलती, क्योंकि मध्य प्रदेश भारत के बिल्कुल जैसे हमारे भारत हो गया और जैसे भारत ने बना लिया यहाँ पे मध्य प्रदेश है इस रीजन में, क्योंकि मध्य प्रदेश भारत के बिल्कुल सेंटर में, सेंटर में होने के कारण यहाँ पे ना तो आपको ज्यादा बाढ़ देने को मिलती है ना ही यहाँ सूखा वाली कंडीशन बनती है। तो इन सबको देखते हुए यहाँ की जो जलवायु है अधिकतर रूप से भारत जो हमारे देश की जलवायु उससे अफेक्टेड है। आगे देखते हैं कि हमारे यहाँ जो जलवायु है ये आपका हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी इन दोनों से अफेक्टेड रहेगी। जैसे कि यहाँ पे जो बारिश होगी वहां भी इन दोनों के कारण ही होगी। यहाँ की जो पवनों की गति होगी, यहाँ की जो वायु जिस डायरेक्शन में आती है वो सब इस यहाँ पे हमारे जो वर्षा का कारण है इन सब पे डिपेंड करेगी। अब थोड़ा सा देखते हैं टॉपिक को जलवायु। तो हमने क्या किया था कि मध्य प्रदेश का जो जलवायु प्रदेश है इसको चार हिस्सों में हमने बांट दिया। मध्य प्रदेश के जलवायु प्रदेश को हमने चार हिस्सों में बांट दिया। तो चार कौन कौन से, थोड़ा सा पहले मैथ के माध्यम से समझेंगे और पहले थोड़ा सा रिटर्न में देखते हैं। तो रिटर्न में जब बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा आता है उत्तर भारत का मैदान। सबसे पहले क्या आता है, उत्तर भारत का मैदान ये वाला होगा। तो उत्तर भारत के मैदान को हम सीधा मैप में चलते हैं। तो मैप में जब आते हैं तो ये होगा आपका ये वाला रीजन। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीजें हैं आज सारी क्लियर होने वाली है, बिल्कुल घबराने का नहीं है, बस थोड़ा सा चिल होकर बैठना है। उत्तर भारत के मैदान की बात करते हैं तो यहाँ अधिक गर्म और अधिक ठंडा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो मैंने लिखा है ये बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा इस पर फोकस कीजिएगा। उत्तर भारत का मैदान है, उत्तर भारत का मैदान आपके ये वाला इलाका आ गया। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि इस इलाके में जलवायु कैसी पाई जाती है। तो इस इलाके में जलवायु की बात करते हैं तो यहाँ पे गर्मियों में अधिक गर्म और सर्दियों में अधिक सर्दी ये वाला रीजन। यहाँ पे सर्दी भी अधिक पड़ने वाली है, यहाँ पे गर्मी भी अधिक पड़ने वाली है। अगर ये टॉपिक पे आते हैं, सॉरी अगर हिस्सा था हमारा विंध्य का पहाड़ी भाग, हमने मध्य प्रदेश की जो जलवायु है, जो हमने हमारी जलवायु जलवायु को हमने चार हिस्सों में बांट दिया, एक दो तीन और चार। तो एक ये हो गया, दो तीन और चार, जब दो की बात करते हैं तो विंध्य का पहाड़ी भाग, विंध्य का पहाड़ी भाग में आपका ये वाला रीजन आ जाएगा ये वाला। तो यहाँ पे जब टेम्परेचर की बात कर रहे हैं या फिर यहाँ की जलवायु कैसी रहती है वो बात कर रहे हैं तो देखते हैं कि यहाँ ना तो गर्मियों में अधिक गर्म रहती है, मतलब यहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी नहीं होती है और साधारण ठंड रहती है, सर्दी भी आपको ज्यादा देखने को यहाँ नहीं मिलेगी। ऐसे बात करें नर्मदा घाटी, जो कि नर्मदा घाटी आपका ये वाला रीजन है, नर्मदा घाटी में जब हम देखते हैं तो यहाँ कर्क रेखा आपकी ऐसी कुछ होती है, ये हो गया आपकी कर्क रेखा, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के समांतर है आपकी नर्मदा घाटी। अब थोड़ा सा कर्क रेखा के कारण यहाँ की जलवायु में भी डिपेंडेंसी रहने वाली है। तो कर्क रेखा से निकटता के कारण यहाँ पे आपको टेम्परेचर थोड़ा सा अधिक मिलेगा, टेम्परेचर आपको थोड़ा सा अधिक मिलने वाला है, लेकिन ठंड की अगर बात करें तो ठंड यहाँ पे साधारण रहेगी। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे अधिक गर्मी व साधारण ठंड का माहौल पाया जाता है। ऐसे जब बात करते हैं हम मालवा का पठार की, तो मालवा का पठार आपका ये वाला इलाका आ जाता है, अपन
देख चुके पठान वाले में, तो मालवा के पठान में जब देखते हैं तो यहाँ पे भी क्या है कि ना तो अधिक गर्म होती है ना ही अधिक ठंड होती है। एक और इसको अगर देखा जाए तो बोल सकते हैं समशीतोष्ण, समशीतोष्ण ना तो ज्यादा गर्म और ना ज्यादा ठंड, जिसको बोलते हैं समशीतोष्ण। समशीतोष्ण में ना तो आपको ज्यादा गर्मी मिलनी है ना ही ज्यादा आपको ठंड मिलने वाली है। अब अगर वैसे मोटे तौर पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की जलवायु को हम बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वहां उष्णकटिबंधीय है। कैसी है? उष्णकटिबंधीय। हमारे भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है और मध्य प्रदेश की जलवायु भी उष्णकटिबंधीय ही है। आपके एग्जाम में पॉइंट में पूछ रहे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी पाई जाती है, हम सीधा बोलेंगे कि उष्णकटिबंधीय। तो उष्णकटिबंधीय यहाँ की जलवायु हो जाती है। फिर हमने जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को चार हिस्सों में बांट दिया था। वो चार का मतलब से उत्तर का मैदान, विंध्य का पहाड़ी भाग, नर्मदा की घाटी और मालवा का पठार। अब हमने ये भी देखा था हमने कि किस इलाके में जलवायु कैसी रहती है, तो जो उत्तर का मैदान है अधिक गर्म अधिक ठंडा, विंध्य की बात करें तो अधिक गर्म और साधारण ठंडा, और नर्मदा घाटी की बात करें तो अधिक गर्म व साधारण ठंड, और मालवा की बात करें तो मालवा आपका ना तो अधिक गर्म रहेगा ना अधिक ठंडा रहेगा। तो इस प्रकार हमने जलवायु का देखा। अब थोड़ा सा हम देखें कि यहाँ जो सारी जो स्थिति बनती है, ये जो हमारे जो प्रदेश में जो जलवायु का जो घटक है या जो बारिश का जो घटक है वो है क्या, तो थोड़ा सा उसको टेक्निकल रूप से देखते हैं। टेक्निकल रूप से क्या है कि 21 मार्च से क्या होता है, 21 मार्च ये डेट आपको याद रखना है, 21 मार्च, 21 जून, 21 सितंबर और 22 दिसंबर, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट चीज है तीनों। चलो तो जब 21 मार्च की बात करते हैं तो 21 मार्च को क्या होता है कि जो सूर्य है, सूर्य उत्तरायण में जाना शुरू करता है, अर्थात सूर्य की किरणें, सूर्य की जो किरणें हैं यहां पे आपकी सीधी पड़ेगी। ऑब्वियसली बात है जो सूर्य की किरणें आपकी जो पृथ्वी होगी वो मान पहले सूर्य यहाँ था, आज सूर्य यहाँ आ गया और इसलिए जो किरणें सीधी पड़ेगी तो यहाँ की वजह है यहाँ पर तापमान अधिक रहेगा क्योंकि यहाँ पे तिरछी थी और यहाँ पे सीधी, तो सीधी पड़ने के कारण मार्च के महीने से कॉन्सेप्चुअल चीज है, मार्च के महीने से मध्य प्रदेश का दैनिक तापमान तक धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। तो एक क्वेश्चन आपको यह भी बनता है कि मध्य प्रदेश में दैनिक तापमान में वृद्धि कब से प्रारंभ होती है, तो आप सीधा सीधा लिख देंगे मार्च के महीने से यहाँ पे तापमान में वृद्धि होना प्रारंभ हो जाती है। कब से? 21 मार्च से। क्यों होती है? क्योंकि सूर्य उत्तरायण में चला जाता है, साथ में यहाँ पे सूर्य की जो किरणें है वो आपकी सीधी पड़ने लगती है। अब 21 मार्च आने लगा, अब थोड़ा सा देखते हैं 21 जून। तो 21 जून की जब बात करें तो 21 जून को क्या होता है, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने लगती है जहां पे तापमान आपका अधिक हो जाता है। अब लेकिन होता यह है कि ये वाला जो टाइम कि यहां से हमारे यहाँ मानसून या फिर बारिश वाली जो कंडीशन बनती है वो इसी के कारण बनती है, उसका रीजन ये है सूर्य की किरणें लंबवत पड़ी, टेम्परेचर अधिक होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ अधिक ताप होने के कारण जो वायु है, जो हवा है, उसमें न्यून दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। न्यून दाब का मतलब होता है जब कुछ चीज ज्यादा गर्म रहती है तो वह हल्की हो जाती है। अब होता यह है कि हल्की होने के कारण यहाँ ऊपर उठना प्रारंभ होती है, वैसे हल्की ऊपर उठती है, लेकिन थोड़ा सा मैप के साथ देखना, यह आपका हिंद महासागर है और यह आपका बंगाल की खाड़ी। अब होता क्या है कि जब यहां पे आपका टेम्परेचर अधिक होने के कारण यहाँ की जो ये हवाएं हैं ये उठे ऊपर उठने लगती है और यहाँ की जो हिंद महासागर है यहाँ पे क्या होता है जो हवाओं में लंबी होने के कारण इनमें दाब अधिक होता है। तो ये जब अधिक दाब की जो वस्तु रहती है हमसे कम दाब की हो जाती है, तो ये जो हवाएं हैं यहाँ से ऐसे ऊपर आ जाते हैं। तो ऊपर कहाँ आती है? हमारे मध्य प्रदेश में आती है, यहाँ पे इस इलाके में मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है।
तो क्या होता है, यहाँ पे न्यून दाब का क्षेत्र होता है, यहाँ पे अधिक दाब का क्षेत्र होता है। तो एक फैक्ट हमारे यहाँ है कि यहाँ से जो हवाएं है वो जल से स्थल की ओर चलती है, अर्थात यहाँ पे जल था, इससे हमारा जो रीजन है इसमें आता है स्थल है, तो यहाँ पे जल से स्थल की ओर, ये देखिए जल से स्थल की ओर चलने लगी, मतलब यहाँ से हमारे यहाँ पे जो मानसून का घटक है या फिर मानसून का कारक है वो प्रारंभ हो जाता है। कब से? 21 जून से। कारण क्या था? कारण ये था कि 21 जून को टेम्परेचर अधिक होने के कारण यहाँ पे जो हवाएं होती है वह हल्की हो जाती है और न्यून दाब के होने के कारण ऊपर उठती है। ऊपर जब उठती है तो यहाँ पे जो हिंद महासागर में जो हवाएं होने के जो भार है अधिक होने के कारण वह अधिक भारी होने के कारण अधिक दाब से कम दाब की ओर जाने लगती है। तो अधिक दाब से कम दाब के होने पर हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। अब ये जो बवने हैं ये मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी और इन्हीं के कारण हमारे यहाँ पे जो वर्षा की स्थिति है वो उत्पन्न होती है। सेम टू सेम यही कंडीशन आपकी बंगाल की खाड़ी से बनने वाली है। बंगाल की खाड़ी से बात करें तो यहाँ पे भी अधिक दाब का क्षेत्र बनेगा। अधिक दाब का क्षेत्र बनने से यहाँ पे अपना कम वायु दाब वाला क्षेत्र रहेगा, तो यहाँ की जो बवने हैं ये ऐसे होती हुई और यहाँ पे आएगी ऐसे और यहाँ पे ये वर्षा का कारण बनेगी। थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं। 21 सितंबर, 21 सितंबर से क्या होता है कि सूर्य दक्षिण आयन में जाने लगता है, अर्थात जैसे कि आपको सूर्य की पोजीशन दी थी, अब सूर्य वापस दूरी बनाने लगता है। तो दूरी बनाने लगता है तो क्या होता है कि जब दूरी बनाएगा तो जो किरणें सीधी पड़ती थी अब वो सीधी नहीं पड़ेगी, या तो तिरछी पड़ेगी। तिरछी पड़ने से क्या होता है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है टेम्परेचर में धीरे धीरे कमी आने लगती है। अब कमी आने से यहाँ पे क्या होता है कि जो न्यून दाब का क्षेत्र वो अधिक दाब में परिवर्तित होने लगता है, क्योंकि हवा में धीरे धीरे नमी आने लगती है। अब क्या होता है जो हवाएं हमारे यहाँ आई हुई थी आज वही पलटना यहाँ से शुरू कर देती है, ठीक है, यहाँ से वो पलटना शुरू कर देती है क्योंकि इनमें दाब अधिक होगा। अब इसी टाइम पे क्या होता है जो हिंद महासागर वाला इलाका है यहाँ पे आपका न्यून दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। न्यून दाब का क्षेत्र काय के कारण होता है? टेम्परेचर अधिक होने के कारण आपका यहाँ पे न्यून दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और ये हवाएं यहाँ से पलट के समुद्र की ओर जाने लगती है, अर्थात स्थल से जल की ओर। अर्थात 21 सितंबर से सूर्य के दक्षिण आयन में जाने से यहाँ की जो बवने हैं वहां स्थल से जल की ओर चलना प्रारंभ करती है, जिससे हमारे यहाँ बारिश होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो वो जो बारिश रहती है जून वाली, जून अगर जून जुलाई अगस्त सितंबर वाली जो बारिश होती है उतना इफेक्टिव नहीं रहती। उसका रीजन ये है कि इस वायु में आज की कंडीशन में इतनी ज्यादा नमी नहीं होगी जितनी वहां पे पहला थी। एक और बात करें 22 दिसंबर को मध्य प्रदेश में सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा दृश्य पड़ती है। 22 दिसंबर को मध्य प्रदेश में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। इसका रीजन ये होता है कि इसका प्रभाव ये होता है कि हमारे यहाँ पे सर्दी का इफेक्ट यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार हमने जलवायु को देखा, तो जलवायु में हमने देखा कि जो मध्य प्रदेश की जलवायु है भारत की जलवायु के समान ही है। यहाँ पे हमारी जलवायु उष्ण कटिबंधीय पाई जाती है, ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी। और आगे हमने देखा कि हमने जलवायु के घटक के आधार पर मध्य प्रदेश को चार हिस्सों में बांटा। चार कौन कौन से थे कि उत्तर भारत का मैदान, विंध्य का पहाड़ी मैदान, मालवा का पठार और नर्मदा संगम। ये जो सतपुड़ा वाला इलाका है यहाँ पे भी आपको नॉर्मली रहना है कि साधारण यहाँ पे ठंड रहेगी और साधारण गर्मी, ये भी ज्यादा गर्मी के प्रभाव में नहीं आने वाला है। अब क्या हुआ कि हमने चार हिस्सों में बांटा, चार बांटने वाले हमने यहाँ देखा कि किस इलाके में जलवायु की कंडीशन क्या रहती है। तो उत्तर के मैदान की हमने बात की थी, यहाँ पे अधिक गर्म होगा अधिक ठंडा होगा। विंध्य की बात की तो विंध्य अधिक ना तो अधिक गर्म था और ना ही आपका साधारण ना ज्यादा ठंडा था। तो इसमें बोला अधिक गर्म नहीं और साधारण ठंड। नर्मदा घाटी की जब बात की तो नर्मदा घाटी अधिक गर्म, गर्मी यहाँ पे अधिक रहने वाली है, क्योंकि उसका रीजन यहाँ था कि यहाँ पे आपकी कर्क रेखा थी। ठंड आपको मिलने वाली है।
तो मध्य प्रदेश मालूम नहीं हुआ कैसी हो जाती है आपकी समशीतोष्ण। फिर आगे हमने देखा कि जो यहाँ जो परिस्थिति घट रही है, जो घट रही है कि हमारे यहाँ जो बारिश का जो मेन रीजन है वो क्या है, तो इसका रीजन हमने देखा क्या कि 21 मार्च से सूर्य जब उत्तरायण में चला जाता है, तो उत्तरायण में जाने के बाद सूर्य की किरणें मध्य प्रदेश पे सीधी पड़ने लगती है। सीधी पड़ने के कारण जहां से आपके दैनिक तापमान लगभग लगती होना प्रारंभ होता है, इसको दैनिक तापांतर कहते हैं। दैनिक तापांतर यहां से आपके क्वेश्चन बनने बनने हैं। इसके बाद जब आगे देखा हमने 21 जून, 21 जून का क्या होता है कि सूर्य की किरणें आपकी लंबवत पड़ती है। लंबवत पड़ने के कारण यहाँ पे जो तापमान होता है, तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि होने के कारण जो हमारा ये मध्यप्रदेश वाला इलाका है, इसमें न्यून दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो गया था। न्यून दाब वाला, तो न्यून दाब का क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण इस समय हिंद महासागर में जो पवनें थी वो सक्रिय हो जाती है, और चूंकि वहां भारी हो जाती है तो भारी पवनें हमेशा अधिक वजन से कम वजन की ओर आना प्रारंभ होती है, तो जिससे पवनों की दिशा आपकी जल से स्थल की ओर हो जाती है। जल से स्थल की ओर हो जाती है, मतलब 21 जून से पवनों की दिशा जल से स्थल की ओर हो जाती है, जिससे हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में मानसून की स्थिति प्रारंभ हो जाती है। आगे हमने देखा कि 21 सितंबर हमारी वर्षा खत्म हो चुकी थी, लेकिन जिसको हम बोलते ना डबल से गर्मी, तो वो आती है आपकी ये वाली 21 सितंबर से। क्या होता है जब तुमने दक्षिणायन में जाते हैं, तो दक्षिणायन में जाने के बाद क्या होता है कि जो यहाँ पे टेम्परेचर में थोड़ी थोड़ी कमी होने लगती है, थोड़ी सी कमी होने के बाद हवाएं भारी होने लगती, भारी होने लगती, भारी होने से आपका जो समुद्र वाला इलाका है वहां पे कम टेम्परेचर के कारण कम दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यहाँ थोड़ा सा अधिक दाब का होता है, तो यहाँ अधिक दाब से पवन कम दाब को चलना प्रारंभ करती है, जिससे हमारे यहाँ पे वर्षा तो होती है लेकिन वर्षा कम होती है। वर्षा कम क्यों होती है कि जो पवने पहले आई हुई थी उनमें अब इतनी ज्यादा नमी नहीं है जितनी उनमें पहले थी, इसलिए कम वर्षा होती है। फिर क्या होता है, हमने एक और डेट पढ़ी थी कि 22 दिसंबर के, 22 दिसंबर का क्या होता है कि मध्य प्रदेश में सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा तिरछी पड़ती है। अब हमने इसमें जलवायु तो देख लिया, थोड़ा सा देखेंगे वर्षा वाला। वर्षा की जब बात करें तो हम देखते हैं कि वर्षा हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में किस हिसाब से होती है, वर्षा का वितरण मध्य प्रदेश में सभी जगह एक समान होता है या फिर अलग अलग होता है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो जब वर्षा की बात करते हैं तो वर्षा में क्या होता है कि हमने मध्य प्रदेश में 75 सेंटीमीटर जो रेखा है, 75 सेंटीमीटर रेखा को हमने जल विभाजक रेखा मान लिया। क्या मान लिया? जल विभाजक। इसको इस तरह से मान लिया कि एक ऐसा इलाका रहेगा जहाँ 75 से कम होगी, एक ऐसा रहेगा जहाँ 75 से अधिक होगी। तो इसी के आधार पे हमारी कृषि का निर्धारण भी होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश अधिक रूप से कृषि पर निर्भर है और कृषि की डिपेंडेंसी पूरी तरह से मानसून या बारिश के ऊपर निर्भर करती है। तो थोड़ा सा 75 सेंटीमीटर रेखा को देखते हैं कि आपका जो ये वाला रीजन है जहाँ से गुजरने वाली है, तो इसमें देखें कि इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो आपके जबलपुर, सीधी और सिवनी, इन जिलों से ये 75 सेंटीमीटर जो रेखा है यहाँ गुजरती है। तो इसी के आधार पे या फिर इसी को मानक मान के हमने यहाँ की वर्षा का मेजरमेंट किया कि किस इलाके में इससे कम होती है, किस इलाके में इससे ज्यादा होती है। तो थोड़ा सा मेप में आते हैं कि 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा आपका ये वाला इलाका आ जाएगा, 75 सेंटीमीटर से अधिक में आपका ये वाला रीजन आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर बात करें तो 125 से आपके 150 के बीच हो जाएंगे, और एक जगह ऐसी है जहाँ पे 150 से भी अधिक होती है, वो है आपकी पचमढ़ी वाला इलाका। लेकिन थोड़ी सी अगर बात करें, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कि 75 से 125 सेंटीमीटर के अंतर्गत ये लिखा है हमने ये पूरा, लेकिन अगर आपको पता हो तो कि जो भिंड मुरैना ग्वालियर वाला जो इलाका है, इसमें जो भिंड है यहाँ पे जो बारिश होती है वो 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो ऐसा नहीं है कि पूरे इलाके इसी आधार पर होगी, लेकिन कुछ जगह ऐसी जहाँ पे इसके अंतर्गत आने के बाद भी यहाँ पे वर्षा में भिन्नता पाई जाती है। अब थोड़ा सा देखें कि जो 75 सेंटीमीटर रेखा है इसने मध्य प्रदेश को दो हिस्सों में बांट दिया, दो हिस्से कौन कौन से, पूर्व और पश्चिम, पूर्व और पश्चिम। तो यहाँ पे क्या होता है, वर्षा में विभिन्नता पाई जाती है।
भाषा में विभिन्नता अगर आपको हम देखें तो आपका जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी हिस्से में आपकी जो भाषा में विभिन्नता होती है मात्र 15% पाई जाती है। कितनी? मात्र 15%। तो 15% विभिन्नता पाए जाने पर इस इलाके में ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बारिश पर्याप्त मात्रा में हो रही है, थोड़ी बहुत कम होने पर यहाँ पे वृष्टि हो जाएगी। लेकिन जब पश्चिम की बात करते हैं, यहाँ पे पहले से 50 से 75 के बीच में होती है, अगर यहाँ पे विभिन्नता 20 से 25 सेंटीमीटर हो गई, वर्षा की जो विभिन्नता है 20 से 25% कम हो जाती है, तो इस इलाके में कृषि पूरी तरह ना के बराबर हो जाएगी, कृषि यहाँ पे आपकी बहुत कम हो जाएगी। तो ये वाला जो रीजन है यहाँ बहुत ज्यादा प्रभावित होगा वर्षा के कम होने पर, पूर्वी इलाके में इतना प्रभाव नहीं पड़ना है। इसके बाद जब देखें आपकी इस इलाके में 125 से 150 के बीच में होते हैं, लेकिन यहाँ पे पचमढ़ी जो कि बंगाल सीमा के अंतर्गत आता है, ऐसी जगह है यहाँ पे 150 से भी अधिक सेंटीमीटर वर्षा होती है। ऐसे आपका बालाघाट आ जाता है, बालाघाट आपको यहाँ आ जाता है, तो बालाघाट में भी आपकी वर्षा अधिक होती है। तो इस प्रकार हमने मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण देखा और हमारे यहाँ पर मानसून कैसे आता है हम देख चुके। थोड़ा सा और एक ओवरव्यू के लिए समझ लेते हैं कि ओवरव्यू के लिए समझने के लिए हमें थोड़ा सा भारत का मैप बनाया। ये मैप हो गया, यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पे आपका हिंद महासागर, यहाँ पे आपकी बंगाल की खाड़ी। अब क्या हुआ, दो हमने डेट दी थी, एक दी थी 21 जून, एक दी थी हमने 21 सितंबर। तो 21 जून और 21 सितंबर को थोड़ा हम देख लेते हैं क्या होता है कि पहले जो यहाँ की जो नमी युक्त वायु रहती है ये इस डायरेक्शन में यहाँ से चलना प्रारंभ होती है और ऐसे यहाँ पे एंटर हो जाती है ये। तो 21 जून तक ये यहाँ पहुंच जाती है और हमारे मध्य प्रदेश में यहाँ बारिश होना प्रारंभ हो जाती है। एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्टर पर बात करें तो आपका जो ये वाला रीजन है जो सतपुड़ा वाला, ये ऐसा इलाका है यहाँ पे बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर दोनों की जो पवनें आती है उनके कारण यहाँ पे आपकी बारिश होती है इस वाले इलाके में। तो 21 जून को यहाँ पे पवनें पहुंच जाती है और हमारे इस वाले इलाके में मध्य प्रदेश का जो रीजन है यहाँ पे वर्षा प्रारंभ हो जाती है। ऐसे क्या होता है कि 21 सितंबर से ये जो इनकी दिशा है परिवर्तित होने लगती है और यहाँ परिवर्तित दिशा के रूप में आपकी जो स्थल से मतलब मध्य प्रदेश से आपकी ऐसे ही निकल के ऐसे और वापस समुद्र की ओर जाने लगती है, जिससे हमारे यहाँ बारिश तो होती है लेकिन बहुत कम मात्रा में होती है क्योंकि इनमें नमी कम हो जाती है। तो नमी कम होने के कारण सितंबर के महीने में आपकी जो बारिश है वो कम होगी और जो जून वाला है उसमें बारिश आपकी ज्यादा होने वाली है। तो इस तरह हमने मध्य प्रदेश में वर्षा की स्थिति देख ली। थोड़ा सा आगे बात करें ऋतु में देखें तो ग्रीष्म ऋतु, तीन ऋतु होती है ग्रीष्म, शीत और वर्षा। तो ग्रीष्म ऋतु की जब बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जो एवरेज टेम्परेचर की बात करें वो कितना होता है, 29.4 डिग्री सेल्सियस होता है आपका ग्रीष्म ऋतु में। लेकिन इसमें भी अगर बात करें तो कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर कब होता है, मई के महीने में होता है। मध्य प्रदेश में गंज बसुधा, क्या है गंज बसुधा, विदिशा के अंतर्गत आता है, यहाँ ऐसी जगह है जो सबसे ज्यादा आपका गर्म स्थान है मध्य प्रदेश का गंज बसुधा जो कि विदिशा के अंतर्गत आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा देखें दैनिक तापांतर की जब बात करें तो मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर में जो वृद्धि होती है वो होती है आपकी मार्च के महीने से, मार्च के महीने से आपकी तापांतर में वृद्धि हो जाती है, ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तापांतर में वृद्धि हो जाती है, दैनिक तापांतर यहाँ से बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। और ग्रीष्म ऋतु में जब देखते हैं तो ग्रीष्म ऋतु में आपके मई के महीने में सबसे ज्यादा तापमान होता है। शीत ऋतु की जब बात करें, शीत ऋतु में क्या होता है कि सूर्य उत्तरायण में था, अब यहाँ से दक्षिणायन में प्रारंभ हो जाता है, कब से, सितंबर के महीने से, उसकी डायरेक्शन थोड़ी थोड़ी चेंज होती है लेकिन मेन रूप से अगर देखें तो दिसंबर और जनवरी के महीने में, दिसंबर और जनवरी जनवरी के महीने में पूरी तरह से दक्षिणायन में चला जाता है, जिसके कारण हमारे यहाँ से सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती है। सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण ऐसी पड़ने के कारण हमारे यहाँ पर टेम्परेचर में कमी आती है और टेम्परेचर में कमी आने के कारण हमारे यहाँ पे शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो दिसंबर और जनवरी दो महीनों में हमारे यहाँ पे सर्दी सर्वाधिक
वीडियो में मध्य प्रदेश की जलवायु, वर्षा और ऋतु तीनों चीजों को देखा कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, कैसी उष्णकटिबंधीय है, किसके कारण है, यहाँ पे जो मौसमी परिवर्तन के कारण है। इसके बाद जब वर्षा की बात करी हमने, तो ये वर्षा के लिए हमने मध्य प्रदेश में 75 सेंटीमीटर रेखा को एक आधार माना, और आधार मानकर हमने मध्य प्रदेश की जो वर्षा की स्थिति उसको दो हिस्सों में बांट दिया, पूर्वी और पश्चिमी। तो पूर्वी में जब हमने देखा कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में वर्षा में विभिन्नता होती है, हर जगह पे एक समान वर्षा नहीं पाई जाती, जिसके कारण यहाँ पे कृषि भी सब जगह एक जैसी नहीं होती। तो क्या होता है कि पूर्वी हिस्सा रहता है, यहाँ पे वर्षा में जो असमानता थी वो 15% थी। ऐसे आपसे पश्चिमी की बात करें तो पश्चिमी में आपकी 20 से 25% थी। क्योंकि पश्चिमी में 20 से 25% होने के कारण यहाँ पे कृषि पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाई, अगर इस आधार से यहाँ पे वर्षा में कमी आई। लेकिन पूर्वी हिस्से में वर्षा पहले से पर्याप्त मात्रा में हो रही थी, और थोड़ा बहुत कम हो जाने पर इतना प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसे हमने बात करी कि आपका 125 से 150 के अंतर्गत जो आपका सतपुड़ा का नीचे वाला इलाका है, ये सतपुड़ा से नहीं है, इसके नीचे वाला इलाका है, इसको हमने 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा के अंतर्गत रखा। इसमें भी क्या था कि आपका पंचमढ़ी जो कि मेघाल श्रेणी के अंतर्गत आता है, वो ऐसी जगह है कि यहाँ पे आपकी बारिश सर्वाधिक होती है। इसके बाद यहाँ पे गर्मियों में भी अधिक गर्मी नहीं होती, गर्मियों में बहुत अच्छा बिल्कुल ठंड से लहर यहाँ पे चलती है। इसके बाद विषमता हमने देखी। अब हमने थोड़ा सा एक ही पॉइंट रह गया था कि यहाँ पे आपके मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो औसत वर्षा जब देखते थे यहाँ पे 1026.4 मिलीमीटर यहाँ की एवरेज वर्षा होती है। उसके बाद वर्षा ऋतु जो है, वर्षा ऋतु आपकी जून के महीने से लेकर सितंबर के महीने तक आपकी वर्षा ऋतु होती है। ऐसे ग्रीष्म की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु को हम मार्च से मान सकते हैं, मार्च से लेकर आपकी जून तक ग्रीष्म रहने वाली है। ग्रीष्म में हमने टेम्परेचर की बात करी तो यहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर रहता है वो होता है 29.4 डिग्री सेल्सियस, और 29.4 तो यहाँ का एवरेज हो गया। लेकिन यहाँ का जो दैनिक तापमान रहता है, दैनिक तापमान में जब वृद्धि की बात करें तो यहाँ आपकी मार्च के महीने से प्रारंभ हो जाती है, और सर्वाधिक की बात करें तो आपके मई में। और ऐसे ही अगर जगह की बात करें तो आपका विदिशा के अंतर्गत ब्रज बासुरा आता है, जहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर नोट किया गया है। ऐसे शीत ऋतु को जब देखते हैं तो शीत ऋतु में क्या होता है कि सूर्य की जो स्थिति है वहाँ दक्षिणायन में चले जाता है, अर्थात सूर्य की किरणें यहाँ पे सबसे ज्यादा तिरछी पड़ना प्रारंभ हो जाता है। कौन से महीने में? कि दिसंबर और जनवरी के महीने, दो महीने हैं, दिसंबर से प्रारंभ होते हैं, तो दिसंबर से जनवरी तक यहाँ पे सर्वाधिक आपकी जो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जिसके कारण हमारे यहाँ पे टेम्परेचर में कमी आती है। टेम्परेचर में कमी आने के कारण हमारे यहाँ पे शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है, और इसी कारण आपका दिसंबर से जनवरी इन दो महीनों में सर्वाधिक ठंड हमारे यहाँ पे पड़ती है। तो इस प्रकार हमारा जलवायु वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। जलवायु के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ लिया, मध्य प्रदेश की जलवायु, यहाँ की वर्षा और यहाँ की ऋतु, तीनों चीजें हमने कंप्लीट कर ली। इसके अलावा हम अगला जो चैप्टर टॉपिक रहेगा अगला हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की कृषि, मध्य प्रदेश।